तो गाइस ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आम का पेड़ है और यहाँ पे आम तोड़ने के लिए अभी हम लोग आए हैं। और यहाँ पे आम तोड़ने का 8 घंटा काम करो आम तोड़ने में, तो आपको 500 रुपया यहाँ पे मिलता है आम तोड़ने का। तो आप देख सकते हो ऊपर जाके चढ़ के पूरा आम तोड़ना पड़ता है, लेकिन 8 घंटे में चाहिए जितना भी आम तोड़ो उतना, लेकिन आपको 500 रुपया उतना ही मिलेगा। इसमें थोड़ी सी रिक्स है, लेकिन आदमी जो करता है कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, हम इस बरनी से आम तोड़ के आपको दिखाएंगे कैसे आम तोड़ना है। आप देख सकते हो ये देखो, ये आपको दिख रहा है काम, ये आम को ऐसे फंसाना है, ये देख रहे हो आम ऐसे फंस गया। अरे ऐसे खींच दो, ये देखिए, ये देखिए इस पे आम आ गया। देखिए देखो ये पक्का हुआ आम है, लेकिन अच्छा है। तो ये चीज़ ऐसा है कि आम तोड़ने के लिए इसमें ना आम गिरेगा ना गिरने के लिए सोचेगा, तो आम तोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो ऐसे आम रखना पड़ता है और यहाँ रखना पड़ता है, बस कर दे। आम का जो नाम है राजापुरी नाम है, बहुत अच्छा रहता है, पकने से बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा रहता है खाने में। आप लोग भी यहाँ से आप ले सकते हो आम को, कमेंट में हमको बताना। तो आप देख सकते हो कितना आम का पेड़ है, ये पूरा जितना है सारा आम का पेड़ है। अभी तो कोई कोई आम टूट गया है क्योंकि बारिश का मौसम आता है, इससे पहले टूट गया आम, बहुत अच्छे से हम लोग तोड़ दिए हैं। देख सकते हो आप कितना आम का पेड़ है। तो गाइस इसको बोलते हैं बेदाम आम, ये देखिए बहुत लाल हो है, बहुत पीला भी है, बहुत मीठा आम है। आप लोग भी ये आम खा सकते हैं, लेकिन ये आम का 150 रुपये किलो है। ये आम आपको मिलेगा मार्केट में, वापी में आओ और मार्केट में लेके जाओ आम। इसका नाम बेदाम आम है, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा भी है और खाने में चटपटा। और तो गाइस आप देख सकते हो ये तोतापुरी आम है, बहुत मीठा है, चाहे कच्चा भी अगर रहेगा तो फिर भी मीठा रहेगा, क्योंकि इसका कलर देखो कितना पीला हो गया, लेकिन फिर भी कच्चा है, बहुत मीठा है, लेकिन इसको पकने थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखो ये आम का पेड़ है, आप सब देख सकते हो बहुत अच्छा है। आप लोग भी आ सकते हो, वापी में आओ और लेके जाओ आम, ये कम से कम आपको 200 रुपये किलो आम मिलेगा। ले तो गाइस देखिए अब कितना पसीना हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी भी किया है और थोड़ा काम करके बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है, इसके वजह से कैसे भी करें काम तो धीरे धीरे हो जाएगा, बस थोड़ा सा और बाकी बाद में फिर खत्म। चलो तब वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस देख रहे हो जो ऊपर जो चढ़ा है ना, वो दिख रहा है जो दौरी है, वो दौरी का तो आम रखेगा, फिर उसके बाद फिर जब दौरी जब फुल हो जाएगा तो बाद में फिर नाम आम को जो है रस्सी जो देखो धीरे धीरे नीचे उतारेगा, बाद में फिर वो गोनी में भरेगा, जिसके वजह से ऊपर में जब ऊपर से आम नहीं गिराने चक्कर में इसके वजह से ऊपर रखा है कि उसमें आराम से अपना भर सकूँ, तब देख सकते हो। गाइस देखो अब दौरी छोड़ रहा है नीचे, धीरे धीरे आम आएगा, देखो संभाल के भाई संभाल के, बस बस आने दे आने दे आने दे, देख रहे हो। तो गाइस देखो नीचे कैसे आ रहा है, इतना ऊपर से नीचे से आम तोड़ के ऊपर रखना पड़ता है कि नीचे रखना पड़े, देख सकते हो आप, देखो ऐसे आम तोड़ जाता है। और इसमें देखो भरा गया गोनी में। हाय गाइस, हम लोग सारा आम तोड़ लिए हैं, अब हम लोग काम खत्म। और हमको कमेंट में जरूर बताना कि आज का वीडियो को कैसा लगा होगा, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। चलिए अब चलते हैं। Thank you.